फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर रोड पर स्थित नर्सिंग होम में एक महिला मरीज को प्रेग्नेंट के लिए भर्ती कराया गया। जब उसकी उपचार के दौरान रक्तचाप अधिक होने के कारण हालत बिगड़ी तो डॉक्टर खान के द्वारा दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की बात कही गई। एक तरफ पीड़िता के परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया, इस नर्सिंग होम के डॉक्टर खान ने कहा गया, अब इसको बचाने के लिए 2-4 लाख रुपए रख लो तब भी नहीं बच पाएगी। उसी तरह पीड़िता के परिजन इस बात को चीख चीख कर कह रहे थे कि हॉस्पिटल से एक महिला हमारे घर पर हमारी प्रेग्नेंट बहू को देखने गई और उसने कहा इसको हॉस्पिटल में लेकर चलो जहां इसकी हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। उसी महिला डॉक्टर के द्वारा हमारे प्रेग्नेंट महिला को भर्ती कराया गया, जहां सुबह के 3 बजे उस लेडी डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगा देने से ब्लीडिंग अधिक होने के कारण हमारी बहू की हालत अत्यधिक बिगड़ती चली जा रही है, जहां अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। एक तरफ देखा जाए तो इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं है। MBBS किसी गंभीर समस्या को लेकर ही पीड़िता के परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा काटना चालू कर दिया और घटना की जानकारी नजदीकी थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए ऐसे ही चिकित्सक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। एक तरफ डॉक्टर यार खान के द्वारा परिजनों को भरोसे के तौर पर कहा गया कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, जच्चा को बचा लेंगे, लेकिन यह बातें सब बेफिजूल की निकली। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके के संचालित हो रहे अस्पतालों पर किस प्रकार की जाएगी कार्यवाही, जो आए थे मरीजों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। आज ये हुआ था कि जैसे यहाँ पे छोटे भाई की बीवी की हालत खराब थी, डिलीवरी होने को थी, नॉर्मल होते होंगे सब बच्चे उसके, तो डिलीवरी होने को थी, तो तनवीर नाम की एक जो लेडीज़ थी वो लेके आई थी घर पे पहले, तो उसने घर पे देख के कर यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लेके आई। कौन से हॉस्पिटल, क्या नाम है? MKD हॉस्पिटल में यहाँ पे लेके आई। वो यहाँ पे जब यहाँ पे 3-4 घंटे रख लिया उन्होंने, इंजेक्शन लगा दिया, उसका ब्लड चालू हो गया, सही इन्होंने उसे भेज दिया कि यहाँ से ले जाओ, हमारे बस में नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते होंगे कि और यहाँ के सभी डॉक्टरों ने शहर को ने मना कर दिया, हमारा मरीज सही हो जाए नहीं तो उसमें सील लगे। इसमें सील लगे जब तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे जानकारी नहीं है, तो तुमने हाथ क्यों रखा तुमने? इसलिए पड़े हमारे घर वाले जो बुला कर लानी तंगी, तो इनको जब इनके हाथ बस की गाड़ी तो इन्हें डॉक्टर मना करना चाहिए ही। उन्होंने 3 बजे हमने जो कही इनसे, मैंने कि तुम्हारे बस की हो तो बताओ, डॉक्टर साहब नहीं है बस की तो मना कर दो तुम, कि नहीं मैं नॉर्मल पैदा करवा दूंगा मगर बच्चा नहीं दूंगा जिंदा। मैंने कि चलो नॉर्मल करवा रहे हो, जिंदा मत करना, हमें वो भी मंजूर है, हमें नॉर्मल चाहिए नहीं है, बच्चा नहीं चाहिए, हमें चच्चा चाहिए। क्या ठीक है, हम इधर हमारी बात करने आए, जब तक मैडम आएंगे 2 इंजेक्शन लगाएंगे। जैसी खड़ी हुई है देखो, यहाँ से यहाँ तक खून ही खून पड़ रहा, पूरा कमरा देख के अंदर पूरे में खून ही खून रहा तमाम दुनिया भर का। तो अब जी क्या कह रहे हैं, यहाँ अगर ट्रीटमेंट क्या कहीं पर भी ले जाओ तो इतनी गड्डियाँ रख लोगे 2 लाख रुपये तो अभी ना बचा पाओगे। तो मैं कहने लगी कि अफसर के साथ हूँ, ये किसके बयान थे ये ऐसे? उनके यार खान के डॉक्टर, तो मैंने जो कह नहीं इनकी, देखो मैं अफसर के साथ हूँ, अफसर की मैं वो सुल्तान के सास हूँ और अफसर की भाभी हूँ मैं, मेरी छोटी वो है दौरानी, इनकी डॉक्टर साहब देखो कि नहीं मेरे बस से बाहर है, इतनी गड्डियाँ ले आओ और तुम किसी को दिखा लो, बचा लेना। तो मैं इस बारे से पूछूंगी, क्या बताओ तुमने